हेलो व्यूअर्स, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कोई मेरे जैसा अकाउंट बना के, मेरे जैसा प्रोफाइल पिक्चर लगा के कोई नंबर प्रोवाइड कर रहा है, सब कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा है, ये एक स्कैम है, ये एक फ्रॉड है। मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ कि आप ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं रिप्लाई में। प्लीज़ डू नॉट गेट इन टू दिस फ्रॉड, इसमें फंसिए मत, ठीक है? ऐसे किसी रिप्लाई का आप बिलीव मत कीजिए, हो सके तो अवॉइड कीजिए, ऐसे कमेंट्स को रिपोर्ट कीजिए, बट इट्स अ ट्रैप। ये मैं नहीं हूँ, काफ़ी लोग मुझे मैसेज करके पूछ भी रहे हैं कि मैम क्या ये आप हो? व्यूअर्स, मैं नहीं हूँ, मैं कोई पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ और कोई डिटेल्स मैंने अब तक प्रोवाइड नहीं किए हैं, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। और अगर मैं आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहूँगी तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में करूँगी, अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में खुद पोस्ट करूँगी, ओके? खुद आपको वीडियो में आकर बताऊँगी। मैं आपको कमेंट करके इस तरीके से कॉन्टैक्ट डिटेल्स कभी नहीं दूँगी, ना मैं देती हूँ, ओके? और यू कैन क्लियरली सी कि ड्रीम टैरो में यहाँ पर स्पेलिंग्स भी मिस्टेक हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इतने फेक होने से या कोई नंबर ऐड करने से ये कितना फेक अकाउंट लग रहा है। तो आप प्लीज़ ऐसे मैसेजेस को रिप्लाई ना करें, अगर आपको दिखते हैं ऐसे मैसेजेस तो आप रिपोर्ट करें, ओके? लेकिन प्लीज़ इसका कोई रिप्लाई करके इस पर बिलीव ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, कोई स्कैम हो, क्योंकि मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ये मेरे चैनल के साथ नहीं हो रहा है, आई हैव सीन काफ़ी लोगों को ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, इस चीज़ में आपको अवेयर रहना है कि जब तक कोई रीडर या कोई यूट्यूबर जो भी हैं वो खुद अपने पर्सनल डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी हैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड ना करें, खुद पोस्ट ना करें या वीडियो में खुद ना कहें, तो आपको ऐसे फ्रॉड पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? काफ़ी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आई थिंक कि वो समझ नहीं रहे हैं या फिर इस फैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं कि अगर मुझे आपको कोई डिटेल प्रोवाइड करनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिखूंगी। अगर आपको किसी से भी कोई रीडिंग लेनी होती है तो पहले आप उसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अगर डिस्क्रिप्शन में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है देन आप प्लीज़ समझ जाइए कि कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ना होने के कारण ये व्यक्ति कोई पर्सनल रीडिंग्स या कोई काउंसलिंग अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ओके? तो अगर आप लोग ऐसे ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाओगे तो इसका मतलब ये है व्यूअर्स कि कुछ लोग पैसे आपसे ले लेंगे और फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने हमसे लिया था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको इस चीज़ में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके? बस इतनी सी ही बात कहनी थी आपको मुझे। तो ध्यान रखें व्यूअर्स इस चीज़ का, और अगर आप लोग देख रहे हैं कि कोई और रिप्लाई कर रहा है ऐसे कमेंट्स का तो प्लीज़ एक रिप्लाई आप भी कर दें कि ये फेक है, या फिर आप रिपोर्ट कर दें ऐसे कमेंट्स को, ओके? क्योंकि मैंने काफ़ी बार हटाया है लेकिन अगेन इट्स हैपनिंग, तो आप लोग ही इसको अवॉइड करके इसको रोक सकते हैं, वरना लोग तो ऐसे कुछ ना कुछ फेक अकाउंट्स बनाकर करते रहेंगे, ठीक है? तो थैंक यू, और ध्यान दें इस चीज़ के लिए, यही एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने आई थी, ओके व्यूअर्स? थैंक यू सो मच।